शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तूने देखा वो क्या बोल के गई? अरे मेरी कीर्ति को कुछ नहीं हुआ है, मैं देखता हूँ उसे, बिल्कुल ठीक है वो। हाँ क्योंकि वो अभी आराम कर रही है, तो थोड़ा टाइम दे देना। क्या आराम कर रही है? अरे अभी कुछ देर पहले तो पतंग उड़ा रही थी वो। उससे माफी मांगनी है मुझे, उसे शॉपिंग करानी है, अपने बच्चे के लिए नए कपड़े दिलवाने उसे। तू आराम कर रही? सब करेंगे, बस अभी तो खुद को संभाल। मैं ही ठीक करूंगा अपनी गिफ्ट को। ये सूटों से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जा भाई, हट जा। अरे आप अंदर कैसे आ गए? ऑपरेशन थिएटर है। मेरी बीवी यहाँ है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वरुण तू चल यहाँ से, भाई चल यहाँ से। यहाँ पे छोड़ना, मैं अपनी स्वीटू को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ स्वीटू, तुम इतना जिद क्यों करती हो? मैं तुमसे कहा था ना कि तुम पतंग मत उड़ाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। और देखो उठो, उठ जाओ, उठो स्वीटू, स्वीटू उठो। ये सब क्या हो रहा है? प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए, ऐसे तो पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाएगी। भाई सुना ना तुमने, कीर्ति को आराम करना, तू चल मेरे साथ। अरे तू समझ नहीं रहा है भाई, तू जानता नहीं है जब ये गुस्से में होती है ना तो किसी की नहीं सुनती, अभी तक मेरी भी नहीं सुन रही। कीर्ति अगर तुम मुझसे नाराज हो ना तो मुझ पर गुस्सा करो, पर ऐसे चुप मत रहो। चलो उठो, उठो कीर्ति, कीर्ति उठो, उठो। चलो कीर्ति घर चलना, चलो चलो उठो, उठो कीर्ति, कीर्ति उठो। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उठो घर चलना, चलो। मुझे सिक्योरिटी बुलाना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ। नहीं चलो, मैं लेकर जा रहा हूँ। भाई चल तो यहाँ से, आप लोग बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, जाइए। भाई चल, चल तू मेरे साथ। नहीं, कीर्ति को अकेला नहीं छोड़ सकता। उठो चलो। अगर तू ऐसा करेगा तो घर वालों को कौन संभालेगा? ताई जी, ताऊ जी, अंकल आंटी को कौन संभालेगा? भाई तू चल यहाँ से। अबे तू समझ नहीं रहा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो उठेगी अभी, देख मैं उठाऊंगा। डर है कीर्ति के, पर मैं बोल रहा हूँ, देखना कीर्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। थोड़ा वक्त दे दे, चलो भी यहां से। मम्मी, यशवी जी, मम्मी संभालिए अपने आपको। यशवी जी, दीदू क्या हो गया मम्मी को? मम्मी उठ क्यों नहीं रही? मम्मी, मम्मी कुछ नहीं होगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यशवी जी हम लोग हैं ना यहाँ पर। यशवी जी उठिए, यशवी जी। हटिए, चेक करने दीजिए मुझे। देखिए मैडम, आपको थोड़ा शांत रहना होगा, अगर ऐसे ही बीपी गिरता रहना तो आपकी तबीयत और खराब होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं आराम के लिए उनको मेडिसिन दे देता हूँ, बट इनको खुद ही ठीक रहना होगा।
प्लीज टेक केयर ऑफ हर। कीर्ति कहाँ है? वो उसका बच्चा कैसा है? कीर्ति कहाँ है? श्रद्धा कीर्ति कीर्ति कैसी है? मम्मी कीर्ति ठीक है? यशवी जी संभालिए अपने आप को। पापा आप मम्मी का ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। जी बेटा। करोगी तुम श्रद्धा? हाँ क्या कह रही हो तुम सोनिया? मेरी बहन यहाँ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? क्योंकि कीर्ति की इस हालत के जिम्मेदार पता है कौन है? तुम श्रद्धा। तुम हमेशा ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो ना तुम। तुमसे ही बराबरी करने चली थी तुम्हारी बहन, अब तो खुश हो जाओ तुम। मेरी बहन मेरी जान है, उसके बारे में बुरा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। इतना ही जान न्योछावर करती हो अगर अपनी बहन के ऊपर तो फिर क्यों मॉडलिंग करने चली थी तुम? ये जानते हुए भी कि कीर्ति को शुरू से ही मॉडलिंग करनी थी, पता था ना तुम्हें? लेकिन फिर भी तुमने उसे मना किया मॉडलिंग करने से, और जब तुम्हें मौका मिला तो मौका तुरंत लपक के ले लिया। तुम्हें पता था ना कि कीर्ति को इससे कितनी जलन हो सकती है? चलो वो भी छोड़ो, तुम्हें तो अच्छे से पता था कि तुम्हारी बहन कितनी लाडली है, तो उसे हारना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद भी तुमने लड्डू प्रतियोगिता में उसे हराने की कोशिश की, क्योंकि तुम तो भूल गई होगी। तुम्हें पता था ना कि कीर्ति को उस बात से क्या असर पड़ सकता था? चलो वो भी छोड़ो, उसके बाद पतंगबाजी में भी बार बार तुमने उसे हराने की कोशिश की, और वो बेवकूफ सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी उसने, ये जानते हुए भी कि तुम कभी पीछे नहीं हटने वाली। श्रद्धा क्या हुआ? श्रद्धा अब तुम क्यों रो रही हो? अब तो तुम जीत गए, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम जैसा चाहती थी वो हो गया। श्रद्धा तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक, और तुम्हारी बहन की जिंदगी से हार मुबारक। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।